गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई सेल्फ इशिता. सो गाइज टुडे आई एम गोना शेयर सम होम रेमेडीज विच विल मेक योर स्किन ग्लोइंग एज वेल एज ब्राइटन. सो गाइज फॉर दिस रेमेडी वी हैव टू यूज टू स्टेप्स, स्टेप वन एंड स्टेप टू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज फॉर द फर्स्ट स्टेप वी नीड टोमेटो. तो गाइज पहले जान लेते हैं टोमेटो से होता क्या है. तो गाइज टोमेटो आपके फेस को एकदम इंस्टेंट ग्लोइंग बना देता है. तो गाइस अब जान लेते हैं कि टोमेटो के इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, आपके फेस पे टोमेटो लगाने से होता क्या क्या है. तो गाइस जो आपकी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है टोमेटो बिल्कुल दूर कर देता है. गाइस आप इसको डेली पर्पज़ से यूज़ करोगे तो आपकी जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी. तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ आपको टोमेटो यूज़ कैसे करना है अपने स्किन पर. गाइस फॉर दिस वी नीड अ स्लाइस ऑफ टोमेटो. मैंने एक टोमेटो लिया है जिसको मैंने एक स्लाइस में कट कर लिया और आपको इसको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में लगाना है ऐसे इन दिस वे. तो गाइस जो टोमेटो का जूस होता है वो इवेनली आपके स्किन पे लग जाना चाहिए हर एरिया में. और आफ्टर अप्लाइंग आपको हर जगह अच्छे से अप्लाई कर लेना है और इसको अप्लाई करने के बाद इसको आपको 20 मिनट्स तक छोड़ देना है. और उसके बाद आप इसको वॉश कर लोगे और आपको इसको कोल्ड वाटर से वॉश करना है, मतलब आपको ठंडे पानी से इसको वॉश करना है. फॉर दी सेकेंड स्टेप वी हैव टू मेक अ फेस मास्क. तो गाइज इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें दो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, दैट इज़ राइस फ्लोर और दूध. तो गाइज हमें इसका मिक्सचर बनाना है और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है. तो गाइज पहले जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करने से होगा क्या. गाइज इसमें जो आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, एक्ने, पिंपल्स, इन सब की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लोइंग भी बन जाएगी. तो इस मास्क को आप डेली पर्पज से यूज़ कर सकते हो. तो मैं आपको बता दे रही हूँ आपको यूज़ कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है. तो गाइस मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा, दैट इज़ राइस फ्लोर, और उसमें मैं आपको 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क डालना है, आपको रॉ मिल्क, दैट इज़ कच्चा दूध. आप इसको मिक्स कर लो. आपको बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है इसका. You can see ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. आपको उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है. गाइज मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और आपको इसको 20 मिनट्स तक छोड़ देना है. उसके बाद आप इसको कोल्ड वाटर से, ज़्यादा ठंडा पानी, आप ठंडे पानी से इसको वॉश कर लोगे आफ्टर 20 मिनट्स. गाइज एज यू कैन सी आई हैव वॉश माई फेस. तो गाइज आप इसको वीकली 2 से 3 बार अप्लाई कर लो या डेली अप्लाई कर लो, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो. आप इसको अप्लाई करो और देखोगे कि आपकी स्किन धीरे धीरे ग्लोइंग हो जाएगी. आप 1 या 2 दिन में अपनी स्किन को ग्लोइंग तो नहीं बना सकते, आपको इसको वीक में, मतलब मैक्सिमम 1 से 2 वीक के लिए तो यूज़ करना है, देन यू विल सी द रिजल्ट. तो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. और गाइज बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, आपको नोटिफिकेशन मेरी टाइम टू टाइम मिल जाएगी. बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.